हातिम, इस बार मैं तुम्हें सोमिया से मिलने के लिए नहीं रोकूंगी। तुमसे इजाजत मांगी किसी ने? मेरी जुबान बंद रखना चाहती हो ना, तो खुद ही हातिम के सामने इनकार कर देना। भाभी के कानों में अगर भिनक भी पड़ गई ना इस बात की, उनका धड़कता हुआ दिल बंद हो जाएगा। हाय, रहमत मालिक क्या लेकर आए हो? क्या हुआ? कुछ नहीं। अच्छा, समझ गया। पता है, मैंने फैसला कर लिया है कि मैं अम्मी को ना मामानी जान से बात करने के लिए भेज रहा हूँ। किस बारे में? शादी के बारे में। क्या हो गया? ला, हाथ दो, हाथ दो। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। क्या कह रही हो? मजाक कर रही हो ना मेरे साथ? सोमी, मैं अम्मी को मना लूंगा, बल्कि यकीन करो मैं उन्हें मना चुका हूं। मैं कोई मजाक नहीं कर रही, मेरी अपनी मर्जी, मुझे तुमसे शादी नहीं करनी। किसी ने प्रेशराइज किया तुम्हें? किसने कहा है तुमसे ऐसा कहने को? बताओ मुझे। मैं इंसान हूं हातिम, और मेरी अपनी मर्जी है। झूठ बोल रही हो तुम सोमी। तुम्हारी मर्जी मुझसे मोहब्बत के सिवा और कुछ भी नहीं हो सकती। राहिला, इसको बोलो यहां से चला जाए। मुझसे जुदा हो के भी मुझसे जुदा तू क्यों नहीं, मुझसे जुदा तू क्यों नहीं। तुम्हें यहाँ आने के लिए वाकई मेरी इजाजत की जरूरत नहीं थी, लेकिन अब तुम्हें यहाँ से जाने के लिए, बल्कि हमेशा के लिए जाने की इजाजत तुम्हें सोमिया ने दे दी है। जाओ यहां से, दर्द अपने दिल पे ले लिए। तुझसे छुड़ा कर सभी अश्क पास सारे रख लिए, अश्क पास सारे रख लिए। तुझे खोकर भी जी ले, सांसों में तेरा है दम। तुझसे ये वादा है, तेरा दिल से करेंगे गम।